रहे तो दीवारों का भी मजाक बना रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और जो एक्शन है सबको लगाई जाए और हमारे ऊपर भी जरूरी है कि हम अपने आप को भी सुधारें, अपने बच्चों को भी सुधारें, बच्चों को नेक रास्ते पर लगाए, वो जरूरी है। कुरान शरीफ पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, दुआ कराना, ताकि हमारे बाद फिर हमारे बच्चे हमारे लिए सारे सवाब कर सकें, हमें जन्नत से पहुंचा सकें। ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपने आप को भी सुधारें, बच्चों को भी सुधारें, घर की औरतों को भी जिम्मेदारी आनी चाहिए और जितना हो सके दिन के लिए आप अपना वक्त सर्व करें। दुनिया में कुछ सभी करते हैं दिन के लिए, और एक बात याद रखें कि अपना दिन साफ रखें, हर एक के लिए मोहब्बत यही काम आई, हर एक भाई से हर एक बहन से मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नमाज का वक्त आ रहा है तो इसलिए मैं आपके सामने जो खुतबा पढ़े जाएगा उसकी उर्दू तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह होकर अल्लाह होकर अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी की तारीफ है, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो बहुत ही अजीम है, बहुत ही बड़ा है, जिसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता, जिसकी लिखी हुई तकदीर को कोई मिटा नहीं सकता, अल्लाह के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह जिसको फ़ायदा पहुंचाए या अल्लाह जिसको नुकसान पहुंचाए कोई बचा नहीं सकता। मैं तारीफ बयान करता हूँ परवरदिगार की हमेशा हमेशा सुबह शाम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला की सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं और अल्लाह के अलावा कोई पनाह देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार, हमारे मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बच्चे और उसके आखिरी रसूल हैं। मेरे भाइयों, आज ईद का दिन है, यह ईद का दिन बहुत मुबारक है। ईद भी है और भाइयों की है। ईद तो उन लोगों के लिए है जो नेक काम करते हैं और वाईद है, अल्लाह की तकदीर है उन लोगों के लिए जो गुनाहगार है। मुबारकबादी है उन लोगों के लिए जो रमज़ान में जिन्होंने नेक काम किए, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, और अफसोस है उन लोगों के लिए जिन्होंने रमज़ान को ऐसे ही गंवा दिया। ईद उन लोगों के लिए नहीं है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ईद तो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को राज़ी रखे। कहाँ हैं वो लोग जो पहले इस दुनिया में आबाद थे, आज नहीं है? कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने पिछले रमज़ान में रोज़े रखे लेकिन उनमें से कुछ लोग हमसे रुखसत हो चुके हैं? ये मौत सबको ले जाती है, सब कब्र में जाएंगे और हमें भी इस दिन कब्र से ज़्यादा है। मेरे भाइयों, आज के ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज का अल्लाह के इनाम का दिन है। अल्लाह की तारीफ बयान करो, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह ताला ने जो फितरे का हुक्म दिया है वो अदा करो। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बहुत मेहरबान है जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और उन लोगों के लिए अल्लाह बहुत मेहरबान है जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहता है जब तक कि तुम अपने रोज़े की ज़कात यानी फ़ित्र न दो। ईद के बाद छः रोज़े और रखे जाते हैं, तशरीक के रोज़े, चाहे पैदल पर रखे जाए चाहे छोड़ छोड़ कर रखे जाए, और जिन्होंने रमज़ान में रोज़े अगर छोड़ दिए हैं तो वो कज़ा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमज़ान में रोज़े रखे और उसके बाद छः रोज़े रखे तो अल्लाह उसको पूरे उम्र रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाए। मेरे भाइयों,
نعمے بے شمار دولت اور نعمت عطا فرمائی. اے پروردگار ہمارے آگے جتنے گناہ معاف کر دے, ہماری دعائیں تیری رحمت سے آگے لے کر ہے. اے پروردگار جو تمام مہربانوں کی زیادہ مہربان ہے, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یاد کرو اس وقت کو جب کہ آنکھیں چکاچون ہو جائے, جب کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے, قیامت پر جیسے سورج اور چاند ملا دی ہو جائے. لیکن انسان گھبرا گھبرا کر کہے گا, آئے کہاں پر آ جاؤں, کہاں جاؤں؟ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, جیسے وہی پروردگار ہے جو بہت معاف کرنے والا ہے, بڑا سخی ہے, بڑا داتا ہے, بہت بخشنے والا ہے. اسی کا حکم ہے ساری دنیا میں, وہی بادشاہ ہے, وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہی بڑا مہربان ہے, وہی رحم والا ہے. اسی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, اسی سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب کی دعائیں قبول کریں. بس ہمارے شروع ہونے میں دو منٹ ہیں. نماز کی ترکیب سنی, نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز واجب. ماں زائد ہے شکیر. جب ہم نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر, نیت باندھیں گے سبحانک اللہم پڑھیں گے, پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے, پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے. پہلی دفعہ باندھیں گے, دو دفعہ چھوڑ دیں گے, پھر چوتھی دفعہ باندھ دیں گے. تلاوت ہوگی دوسری رکعت میں, پہلے تلاوت ہوگی, پھر تین دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور تینوں دفعہ چھوڑ دیں گے, اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر پھر ہم رکوع میں چلے جائیں. تو اللہ آپ کو بھی مبارک کرے, عید ہم سب کو بھی مبارک کرے. کورونا بیماری سے جو لوگ پریشان ہیں ان کو یاد رکھیں, پورے دیش کے لیے دعا کیجیے, اپنے لیے دعا کیجیے, اور یہاں سے صحیح اگر کے چلیے تو حضور کی سنت پاک کو, قرآن کریم کو, اپنی شریعت کو پوری طرح آپ عمل کریں گے, دوسروں کو پہنچائیں گے, اپنا دل صاف کریں گے. دل میں کچھ اور باہر کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے کینہ اگر کسی کے دل میں ہو اس کی نماز روزہ تو قبول نہیں ہے. جیسے سب لوہے کو کھا جاتا ہے, ایسے کینہ اور منافقت ہمارے ایمان کو کھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب بچے کر لیجیے, سب بنا لیجیے. Thank you.
भाई बताओगे थोड़ा सा, आप कुछ बोलोगे? क्या, कहाँ रहते हो आप? कहाँ, यहीं पर रहते हो? हाँ जी, दरियागंज। तो नमाज मस्जिद में पढ़ी है, अपने घर पे पढ़ी है? भाई ऐसे ही हो रहा है, मस्जिद में बस बहुत कम, दो चार लोग ही पढ़ रहे हैं ना, गैप के हिसाब से डिस्टेंसिंग, दो दो तीन तीन बार मस्जिदों में नमाज़ें हो रही हैं, और यही हो रहा है मस्जिदों में, पर 20 लोग 25 लोग अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन अपना रहे हैं सब लोग, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ने आदेश किए हैं उसको मान रहे सब, है ना? वो तो करना पड़ेगा, आपका ही फायदा है इसमें करने में, आपका सभी का फायदा है, तो जान है तो जान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे हालात है मुल्क में, मौतें हो रही हैं दिन भर दिन, ना शमशान में लोगों को मिल रही है जगह, ना कब्रिस्तान में लोगों को जगह मिल रही है, भाई साहब इतना बुरा हाल है।